बात नहीं सुन रहा है मोहित, क्या कर रहा है तू? अरे एक मिनट, टेबल के साइड बॉय है, रुक जा। बाप का जूता जब बेटे के पैर में आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा बाप बन गया। आई समझ? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा काम करने की हमसे बिना पूछे? तू क्या तमाशा देखा, संभाल रख नीचे। और सुनाई नहीं दिया तुझे क्या कहा? अरे पापा, एफडी महकदी के नाम थी और उन्होंने मुझे बोला तो मैं मना कैसे। बहुत आए, 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 शौक से आए। अरे हमें भी तो पता चले आखिर वो चाहता क्या है। आए दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इस शौर्य नाम का भूचाल जब से हमारी शांत जिंदगी में आया है ना, उथल पुथल मच गई है हमारे घर के अंदर। आखिर ये महक साबित क्या करना चाहती है, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। संस्कार दादाजी, चाचू इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो, उस पर गुस्सा मत करो। ये सब जो भी किया है ये मैंने किया है। मैं कह रहा हूं पुत्र, तुझे ये सब करने की और हर पल जूझने की जरूरत क्या है? वो बंदा तुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, तेरी हर वक्त बेइज्जती करता, और तू फिर भी वहीं जाके रहना चाहती है। हम सबसे तेरी ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं होती। बहुत, बंद करो ये खींचाता, छोड़ दे उस रईसजादे को। ऊपर वाला है ना उसको उसके कर्मों की सजा देने की। पता है तुझे, कई बार रात रात भर नींद नहीं आती है, ये पता नहीं तू किस हाल में। चाची आपको याद है, आप मुझे बताया करती थी कि कैसे वो कस्तूरी हिरण जंगल जंगल भटकता है खुशबू की तलाश में, पर वही खुशबू उसकी नाभि में होती है। कुछ ऐसी ही हालत है शौर्य की, वो अपनी अच्छाइयों का, अपने संस्कारों का, अपने प्यार का एहसास ही नहीं कर पा रहा है। एक झूठा नकाब लगा या फसाद भरी जिंदगी जी रहा है। मैं और माँ बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि बस वो किसी तरह अपना असली चेहरा देख पाए और उस नकाब को तोड़कर सुकून भरी सांस ले पाए। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मेरा साथ दोगे। पर अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो हो जाए एक ग्रुप वाली जादू की झप्पी। पुत्र ये जादू की झप्पी तो ठीक है, लेकिन तू ये अपने सामान लेके क्यों जा रही है? चाचू सर उठा के जीना है और शौर्य को बताना है कि मुझ में और उसकी दुनिया के कुछ लोगों में कितना फर्क है। लिसन, हमें और भी कई इनोवेटिव डिशेस क्रिएट करनी होगी, और मैं कह रहा हूं कि I'll call you later. मुझे मालूम है आपसे अपनी प्यारी बहू की हालत देखी नहीं जा रही ना, इसीलिए मुझे अच्छाई का लेक्चर देने आई। दीजिए, मैं तैयार हूं, दीजिए। पहले तो अपनी उंगलियां कान से हटा, हटा। और अब ये बता, तुझे इतनी इंपॉर्टेंस लेने की क्या जरूरत है भाई? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर आदमी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में ही बात करना चाहता है या तुझसे बात करना चाहता है? मैं तो सिर्फ बालकनी देखने आई थी कि ठीक हुई या नहीं, क्योंकि वो तेरे कमरे में तो रहने से रही। माय यू नो व्हाट, उसने आपको बहुत अच्छे तरीके से शीशे में उतार लिया, और जितनी आप उसकी तरफदारी कर रही है ना,
एक ना एक दिन आप बहुत पछताएंगे। माँ मेरा और इस दिल्ली छे की आलू की बोरी का ना कोई मैच नहीं है, और जितनी जल्दी इस बात का एहसास हो जाए ना आप लोगों को उतना बेहतर है। बाद में आपका दिल टूटेगा ना, इसीलिए पहले बता। सही कहती है महक, कि बचपन में ही तेरी गलतियों के लिए कान के नीचे दो चार लगा देती ना तो तू ये बिगड़ैल बैल की तरह बिहेव नहीं करता। मगर कोई बात नहीं, तेरी नाक में नकेल ना डाल दी तो मैं भी तेरी मां नहीं। ये ले पुत्र, इसे मत भूल जाना, तेरी पसंद की किताबें। महक ले, ये भी रख। महक ये बर्तन भी रख ले बच्चे, तुझे इनसे खाना बनाने की आदत है ना, काम आएगा। अरे बस अब और नहीं, कितना ले जाऊंगी, बहुत हो गया तो पूरा की पूरा किचन दे दोगे। महक ये ले तेरा लकी कप। सोनल ठीक है ना? हाँ हाँ भाई सब ठीक है, ब्याह होने वाला है ना इनका, इसीलिए थोड़ी खोई खोई रहती है ना? सोनल कांता चाची कह रही है वैसा ही है ना, तो ठीक है ना, कोई और बात तो नहीं? दीदी जल्दी कर लो, आगे जाके ट्रैफिक मिलेगा, धौला कुआं पहुंचना है, वहां जाके गाड़ी अनलोडिंग करनी है, जल्दी कर लो प्लीज। हाँ जल्दी बता क्या बात है। महक मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। और बस कर रहा, हॉर्न बजाया जा रहा है। आ रही हूँ भैया। मैं घर जाके ये सब काम करवा के तुझे कॉल करती हूँ, ठीक है? तो ये ड्राइवर मेरी जान ले लेगा। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ, कॉल करूंगी तुझे। झुग्गी झोपड़ी वालों की तरह बिस्तर लगा रही हो। And listen, ये मुझसे रोज रोज देखा नहीं जाएगा। You get it? तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। झुकी दिखाई भी नहीं पड़ेगी। Listen, इसको हाथ भी मत लगाना। ये पता कितनी महंगी है? Imported है। अगर ये टूट गई ना, तो तुम्हारी पूरी दो महीने की कमाई लग जाएगी इसको चुकाने में। मैंने क्या कहा? बेरी हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम लड़के साथ? मुझे पता है आपको महंगी चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए आपके बेड पे रख दी, सेफ रहेंगी, है ना? और वैसे भी हम जुग्गी टाइप लोगों को ऐसी लाइफ ना अच्छी नहीं लगती।
द हेल, अरे शो खराब कर दी मेरी बालकनी की। देखो हम मिडिल क्लास लोग ना औकात और चादर देख के पैर फैलाते हैं ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और वैसे भी ये जो बल्ब है ना ये बिजली बचाता है, अब इससे मेरे ही पैसे बचेंगे ना। ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे मीटिंग लेते हो रही है। All the best for your meeting, Pati Dev. तू शायद भूल गया है कि इस घर का मालिक कौन है। मैं, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा चुपचाप करता है। समझ में आया? मैम मुझे पता है आप हैं घर की मालिक, लेकिन अगर बॉस को पता चल गया तो क्या? इस घर की मालिक होने के साथ साथ मैं तुम्हारे बॉस की माँ भी हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हारी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसे करते जाओ। ले ये शक्कर ले और इस कार के फ्यूल टैंक में डाल दे और उस गाड़ी के दो टायर पंचर कर दे। चल फटाफट कर जल्दी। अच्छा सुनो, ये बात किसी को नहीं बताना है। राकेश मुझे पता है कि नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो प्लीज तुम संभाल लो, मैं बस सब पहुंच रहा हूं। हमारा ड्राइवर कहाँ है? वहां क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही है? देखना ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और उसके दोनों टायर पंचर हैं। मैंने भेजा है ड्राइवर को मैकेनिक बुलाने के लिए। अब तू बता, मुझे अन्नु आंटी के घर जाना है अर्जेंट, सोच रही हूँ ऑटो में चली जाती हूँ। What the hell? घर में चार गाड़ियाँ हैं। आवारा, एक काम करो, दूसरे ड्राइवर को बोलो दूसरी गाड़ी लेके आएगा। सर वो दो गाड़ियों में से एक गाड़ी तो श्वेतलाला मैम और श्रुति मैम ले गई है और दूसरी हरीश सर। आवारा तू जाना जल्दी, मेरे लिए ऑटो लेकर आ। चार गाड़ियां खरीदी हैं जितने में एक 4 BHK का फ्लैट आ जाए, पर जब इस घर के मालिक को गाड़ी की जरूरत है तो एक गाड़ी नहीं है यहाँ, और एक कैब भी 20 मिनट दूर है। ब्लडी हेल। हेलो रतन चाचा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ओमवीर को बोलना कि वो राजमा चढ़ा दे। मैं किन ड्रॉप कर दूं? बुलशिट यार, आज ही होना था ये। महक तू शौर्य को उसके रेस्टोरेंट ड्रॉप कर दे, देखना दो कारें बाहर गई हैं और दो कारें घर के बाहर जाने की हालत में ही हैं। इसकी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बेटा। और नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा, आई मैनेज। वैसे भी ये नन्नी सी जान आपकी बहू का बोझ उठाते हुए खुद नहीं उठ गई, ये बहुत बड़ी बात है। कल मैनेज, डोंट वरी। चलती हूँ माँ। एक मिनट, तू भी अजीब जिद कर रहा है हाँ? अपनी जरूरी मीटिंग में तो लेट जा सकता है मगर महक से मदद नहीं ले सकता। हाँ मैंने बोल दिया कि मैं मदद नहीं लूंगा, मैं स्कूटी के पीछे नहीं बैठूंगा। It's your lucky day, Mahek Sharma.
अब चलो पीछे हटो। मिस्टर खन्ना, अगर आपको लिफ्ट चाहिए ना तो पहले तमीज से पेश आइए, प्लीज बोलो प्लीज। और दूसरी बात ये कि ये मेरी गाड़ी है, इसे मैं ही चलाऊंगी, समझ लो। जस्ट बिकॉज लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि पीछे बैठूंगी। Hey, listen, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक लड़की के पीछे बैठूंगा? माँ मैं चलती हूँ। मैं प्लीज प्लीज प्लीज। पीछे जरा बैकरेस्ट पकड़ कर बैठना, रोड पर गड्ढों का फायदा मत उठाना। तो मरी अब जल्दी चलो, हम गेटिंग लेट है। ऐसा लग रहा है किसी अम्यूजमेंट पार्क वाली गाड़ी में बैठा हूं जिसपे बच्चे एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। इस खटारा को बेचकर साइकिल ले लो, झटके कम पड़ेंगे रोड पर। सुनो, तुम ना अपनी चारों कारें बेच के मुझसे मेरी स्कूटी ले लो, एटलीस्ट टाइम पे अपनी मीटिंग में तो पहुंच जाओगी। आगे देखो, बैक रेस्ट पकड़ो। अरे बंद करो इसको यार। भैया वैलेंटाइन डे का गुब्बारा ले लो ना। ये बच्चे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ। ए भैया जोड़ी सलामत रहे, सुंदर सी भाभी है, ले लो ना। अरे कहाँ ना, जाओ यहाँ से। पैसे निकालो, पैसे निकालो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। पकड़ो, तुम्हारी सोशल सर्विस हो गई हो तो चले यहाँ से, मैं लेट हो रहा हूँ। बोला था ना बैक रेस पकड़ के बैठो, ब्रेक्स का फायदा मत उठाओ। वेरी फनी। एनीवेज थैंक्स फॉर द राइड, अब निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुमने, निकलो यहाँ से। अरे एक मिनट, बलून्स तो ले लूं। ये लो। It's so good, guys. It's celebrity Valentine special day, right? It's nothing like that. Shall we go in? Mr. Khanna, I'm very, very sorry.
कि आज के दिन आपको परेशान किया। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज आपका और आपकी वाइफ का पहला वैलेंटाइन है। It's nothing like that. Shall we go in? Mike, तुम जाओ यहाँ से। Actually हम यहाँ आज वैलेंटाइन डे की एक स्पेशल पार्टी के लिए आए थे। हमारे बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि व्हाइट चिलीज में एक शानदार पार्टी हो आज। बहुत अच्छा आइडिया। Right, Mrs. Khanna. It's a pleasure to meet you. Mehak, we would like to invite you to the party tonight. Actually आपको तो आज की पार्टी का होस्ट होना चाहिए। आपके पति का रेस्टोरेंट जो है नहीं नहीं थोड़ा बिजी है आज ये तो शी वोंट बी एबल टू मेक इट है ना महक आई एम राइट नो नो नथिंग लाइक दिस मिस्टर शौर्य वैलेंटाइन डे हर रोज नहीं होता इनफैक्ट अगर आप पार्टी में आएंगी तो मिस कैरोल और मिस रोज को बहुत खुशी होगी